नमस्कार बच्चों, हम पिछले अध्याय में सब्जेक्ट हिंदी लास्ट टाइम उसका भाग दो से अध्याय नंबर टू के अंदर जब मतलब कि ना लेखक हमेश्वर के द्वारा रचित अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें इस प्रकार से भारतीयों की मानसिकता दर्शाया गया है कि एक विदेशी रानी या महारानी के आने पर भारतीय अपने मान को दाव पर लगाते हुए, अपनी प्रतिष्ठा को दाव पर लगाते हुए किस प्रकार से एक विदेशी जो अधिकारी कोई था, जो व्यक्ति था, उसकी बुद्धि ना के लिए अपनी प्रतिष्ठा को किस प्रकार कितने लग जाते हैं, यानी अपनी नाक बचाने के लिए अपने पूरे भारतवर्ष की जो नाक है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसको भी दाव पे लगा देते हैं। हमने पेज संख्या पेज नंबर 11 तक अध्ययन किया था, आज हम पेज नंबर 12 से अध्ययन करेंगे, तो 11 नंबर पेज तक आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें इस प्रकार से भारतीय एक महारानी के स्वागत के लिए, उनके मान सम्मान के लिए अपने भारतीय मान सम्मान को दाव पे लगाएंगे, किस प्रकार से देश के अंदर सफाई उधर उधर में यानी बाहरी की हवा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, इस तरह से पढ़ रहे थे, किस तरह से अलग अलग प्रकार से जो अलग अलग महत्व थे, नेता थे, अधिकारी थे, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, अलग अलग एक दूसरे का खून करने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए, तो ये हम सब पढ़ रहे थे। इसके अंदर यहाँ पर कई शब्द ऐसे आए थे जिनको आपने देख लिया होगा, जैसे बचाने वाले लाड कहते हैं, मूर्ति को बुद्ध को कहते हैं, इन सब के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। और वे सप्ताह का जो स्वाभाविक रूप से या आदतन जिसे हम कह सकते हैं, या जो हमारा स्वभाव होता है उसके अंदर या कोई आदत होती है उसको कहते हैं, वो तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अगर पेज नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, वो तो आप ध्यान से बुक के अंदर देखेंगे, बुक आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप इस वीडियो को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप एक एक लाइन, एक एक पंक्ति को बिल्कुल मैच करते हुए जाएंगे, और जहाँ कहीं भी आपको ऐसे सब आए तो नहीं समझना है तो लाइन किया करो, पूछा करो बच्चों, अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे अपना, कहीं भी आपको कुछ न समझना आए तो उनसे पूछे, आप उसे जरूर करेंगे, जानेंगे, आप कॉल करके जान सकते हैं, तो बच्चों आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो पर्सनल रूप में, या आप व्यक्तिगत या पर्सनल रूप से कॉल भी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से आना ही चाहिए, दोबारा किया करो आप, और बच्चों आगे के लिए आप टेस्ट के लिए भी रेडी रहेंगे, आपका जो है जो हमने क्या है फर्स्ट के अंदर या ग्रामर जो भी है वहाँ लेकर है वो आपको डर होना चाहिए, नेक्स्ट समय को हो सकता है उसके आप रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपना वर्क कर आप सबसे को जिस दिन शुरुआत हो सर आपको मिल पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मानी चाहिए बच्चों। आज हम ग्रुप के अंदर पेज नंबर 12 से अध्ययन करेंगे, देखिए बच्चों कुछ स्तर पर मशवरे हुए दिमाग पहुँचेंगे, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है, यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म आदेश भेज दिया गया, दिमाग पहुंचेंगे मतलब मशहूर मतलब सलाह हुआ, सबने सलाह मशहूर किया, पहुंचेंगे दिमाग पहुंचेंगे मतलब सबके दिमाग में से लोग बात जाननी चाहिए कि कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी कोई अच्छी सलाह दे दे जो उपयुक्त हो, उन्हें क्या करना चाहिए, इस तरह से और नाक का होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर उस बुद्ध की नाक ना होकर बातों ने जैसे अपनी नाक मान लो उनकी नाक में जाएगी, ऐसा महसूस करने लगे वो, तब ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, और मैं फौर में दिल्ली में हाजिर हो और मतलब तुरंत और हाजिर होना मतलब उपस्थित होना, तो यहाँ पर इस प्रकार से मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो जल्दी से जल्दी दिल्ली में पहुंचे। मूर्तिकार यो तो कलाकार था पर जरा पैसे से लचा था, तो एक बेचारा गरीब था, ऐसा उसके पास इतना कुछ नहीं था, मशहूर दूर था वो मूर्तिकार, लेकिन इतने उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लचार था वो, लचार कहते हैं जिसके पास सुविधाओं की कमी हो,
आते ही उसने हुक्मों के चेहरे देखे। हुक्मों के चेहरे तो अधिकारी यानी जो शासक थे या जो नेता थे या जो अधिकारी थे उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी, अजीब अलग ही प्रकार की परेशानी थी, एक अनोखी परेशानी थी। उनके चेहरों पर कुछ उठके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास यानी बिल्कुल बौखलाए हुए, या जो पूर्ण रूप से कह सकते संतुष्ट नहीं थे अपने किसी भी कार्य से। तो इस तरह से उनके चेहरे पर अलग प्रकार के तनाव था यानी बदहवास में एक तनाव की स्थिति को हम कह सकते हैं। यहाँ पर उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए, यानी कुछ उसके भी आंखों में आंसू आ गए। अगर उसको लगा ये सारे तुम्हारे से उम्मीद लगाए बैठे हैं और तुम उनसे उम्मीद कुछ कर रहे थे, यानी इस तरह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। लाचार मतलब बेबस, जो बेबस था कलाकार उसकी आंखों में भी इस तरह से हल्की प्रकार के आंसू आए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जोर मतलब की आंख लगानी है। यानी किसी अधिकारी ने आवाज में कहा कि मूर्तिकार हमें जो जोरसम है उसकी नाक लगानी है, उसकी नाक नहीं है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह नाक का बोर्ड कहाँ बनी थी। तो मुझे पता होना चाहिए कि नाक ये जो लाट बनी है, मूर्ति बनी है, बुद्ध बना है, ये कब का बना हुआ है और कहाँ से बना है, कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। फिर इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, यानी इसने उसने अपने प्रश्न किए। जब हुक्मों ने यानी जब अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ ताका, यानी किसी को इसका तो नॉलेज नहीं था, यानी उसका उनको ज्ञान ही नहीं था कि वो कब का बना हुआ है, कहाँ से लाया गया है, कहाँ से पत्थर आया, किसने बनाई, इसने सब कुछ पता नहीं। यानी वे तरह से ताका ताकी करने लगे। यह बताने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, खैर तो अब आगे दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। एक दूसरे ने एक की नज़र में दूसरे को कहा कि यह बताने की जिम्मेवारी तरफ वो अधिकारी वो नेता भी एक दूसरे पर देखने लगे और एक दूसरे से वो जैसे कह रहे हो कि तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, ये तुम्हारी बताने की जिम्मेवारी है। इस प्रकार से वो उनकी तरफ एक दूसरे पर वो थोपने लगे। खैर मसला हल हुआ, एक कलर को खून किया गया, इस बात की कोई छानबीन करने का काम सौंपा गया। जैसे मूर्तिकार ने इसकी बात कही तो फिर आदेश हुआ कलर को निमन जो अधिकारी था उनको जाओ और पता करो ये कहाँ से लाया गया, कौन से पत्थर से बनाया गया और कौन से बने इसके अंदर कारीगर मन लगे थे। यहाँ सारा पूरा बायोडाटा उसके अंदर लेने का काम सौंपा गया। पुरातन विभाग की फाइलों के पेट जिले गए। जो पुराने पुरातन विभाग को कहते हैं जो संग्रहालय होते हैं जिनमें मूर्तियाँ सब रखे हुए होते हैं, उनके जो जितना भी मामलों का इतिहास होता है उन सबको, तो वो सब के सब फाइलों के पेट चले गए। फाइलों को फिर खोला गया, दफन थे उनको खोला गया, पेट चले मतलब अंदर अंदर की फाइलों के अंदर से ऐसे जो सूचनाएं थी उनको बाहर निकाला गया। कुछ भी पता नहीं चला कि वो ऐसा कुछ नहीं मिला उस मूर्ति के बारे में। कलर्क ने नोट कर कमेटी के सामने आपके हुए बयान किया। अब जो कलर्क था उसने भी जो जैसा उसको और वहाँ कुछ नहीं मिला वो भी इस तरह से काम कर हुआ है। क्योंकि कुछ अधिकारी सामने आएगा तो बच्चों जब उसको काम सौंपा जाए वो नया हो तो इस तरह से काम करना होना ही था, स्वाभाविक था। सर मेरी खतरा माफ हो, सर मेरा खतरा माफ हो कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, जो मुझे काम सौंपा गया वो मैं नहीं कर पाया। फाइल सर कुछ खत्म कर चुके हैं, उसने कहा जो फाइलें थी वो सब सब अंदर दफन हो गया है। उसकी मूर्ति के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली सर, उसमें तो कुछ भी नहीं है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे सारी फाइलें उसको जैसे खा गई हो। बच्चों आगे हम बेसंख्या 13 पे अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप 12 के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से अधिकारी नेता सब बैठे हैं और मूर्तिकार तो सामने बैठा है, चैप्टर के अंदर चश्मा लगाए हुए सब उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं। तो बच्चों आप यहाँ तरह से देख सकते हो कि किस तरह से एक कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं थी लेकिन उसके लिए कितना कुछ किया जा रहा था। हम 13 नंबर पेज में पढ़ रहे हैं बच्चों, हुक्मों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। यानी ऐसा कहते कि जो अधिकारी थे शासक थे सबके चेहरे क्या हो गए, उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसी जिम्मे यह काम सौंप दिया गया। एक कमेटी बना दी कि जाओ इस मूर्ति के बारे में पूरा सब कुछ छानबीन करो, कहाँ से बनी है, किसने बनाया था, ये सब कुछ ये काम होना है। इस राह का दर उदर आप पर है, जैसा भी हो इन उस कमेटी को ये काम सौंप दिया कि अब आपकी पूरी जिम्मेवारी, दर उदर कहते हैं पूरी जिम्मेवारी, दर उदर कहते हैं उसी कमेटी के ऊपर
पूरा दरअंदर क्या कह सकते हैं पूरी जिम्मेवारी सौंप दी कि अब आपको ये सब कुछ करना है कि ये कहाँ से कौन से पत्थर से किसने बनाया था। आखिर मूर्तिकार को भी बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया, यानी मसला मतलब जो सिस्टम चल रहा था या मसला जो जिस उद्देश्य के लिए मसला कहते हैं उद्देश्य के लिए उसने हल कर दिया वो उद्देश्य है। वह बोला पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान हो तो ये पत्थर का भी जरा कोई बात नहीं कि पत्थर का अगर हमें नहीं पता चल रहा है कहाँ से लाया गया कि कौन सा पत्थर है कोई बात नहीं ये मसला मैं हल कर देता हूँ। मतलब जो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं जो हल करना चाहते हैं उसमें ऐसे कर देता हूँ कि हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊँगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा कि ये काम मैं कर देता हूँ इस पत्थर को मैं कराऊंगा कि कहाँ से बनाइए मैं कर दूंगा। कमेटी को आप परेशान कर रहे हो, कमेटी के सदस्यों की जान में जान आए मनुष्यों का भी वो परेशान हो गए थे कि हम कहाँ कर जाएंगे कहाँ से खोज कर लाएंगे तो जान में जान आना राहत महसूस करना तो ये मुहावरा है बच्चों। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती थी। अब सभापति थे जो मुख्य अध्यक्ष थे उनका भी गर्व से महसूस किया हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा है परेशानी मिल सकता सब कुछ तो मिलता है हमारे देश में हर चीज इस देश के गर्व में छिपी मतलब गर्व मतलब कहते हैं अंदर हर एक चीज भारत के अंदर छिपी मतलब यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ खरीदे निकलते हैं बहुत सारे लोग पत्र भी प्राप्त होते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि सब कुछ छिपे हैं जरूरत खोज करने की है और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी इस मेहनत का फल हमें मिलेगा आने वाला जमाना खुशहाल होगा। तो इस तरह से फिर इस लेखी पकड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारा देश ये है वो है हम ऐसा करेंगे वो करेंगे हमारे देश को खुशहाल बनाएंगे। लेकिन एक छोटी सी नाक या जो किसके लिए कितने परेशान हो जाते हैं तो वही नेता कहते हैं हम अपने इस देश को खुशहाल बना देंगे बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह से राइट में अपने सर ने व्यंग्य किया है कि वो नेता पहले किस तरह परेशान हो जाते हैं छोटी सी बात के लिए वही लोग कहते हैं कि हम इस देश को खुशहाल बना देंगे। इस तरह से बच्चों हम इस तरह से उसको व्यंग्य करते हैं या छोटा सा भाषण पर छप गया यही जो छोटी सी बात मीटिंग बैठक हुई और उनकी नाक को लेकर दूसरे दिन के समाचार पत्र थे उनकी हेडलाइन बन गई मुख्य उसकी जो पंक्ति के रूप में लिखा गया सबसे ऊपर लिखा गया कि किस तरह से बैठक हुई है क्या किया गया है। तो बच्चों आज हम अपना वर्ग यहाँ तक करेंगे और हम इस अध्याय को पूरा करते हुए यहाँ स्पर्शन करेंगे तो आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। आगे हम जो वर्ग है कल्पना आगे अध्ययन के अंदर हम अनुसार करेंगे तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कुछ भी समझ में आया हो तो अंडरलाइन करते हुए शब्दार्थ में संस्कृत में हो सकते हैं। तो बच्चों शब्दार्थ के बारे में जानेंगे तो बच्चों यहाँ जो जितने भी पढ़े हैं इसके अंदर कुछ जो शब्द हैं अपने शब्द जानते हैं जान लेते हैं कथा कहते हैं अपराध और बच्चों कुछ और शब्द आए थे जैसे फॉर्म यानी तुरंत कह सकते हैं तुरंत रूप में कह सकते हैं और बच्चों हुकाम हुकाम कहते हैं अधिकारी शासक या नेता भी कह सकते हैं। तो शासक तो वैसे नेता नहीं होता है शासक और नेता लगभग एक तरह से कॉमन वर्ड है कह सकते हैं यहाँ पर। और बयान कहते हैं गवाह कामते हुए बयान किया मतलब वर्णन करना भी कहते हैं या बयान करना मतलब वर्णन करना वर्णन करना या बताना भी कह सकते हैं। और बच्चों और देखिए कुछ शब्द आपको ऐसे कुछ अलग से लगे हो तो यहाँ पर फॉर्मदार देखिए बीमारी पूरी जिम्मेदारी जिम्मेदारी कह सकते हैं। और देखिए बच्चों तो अलग से आपको कुछ अलग नजर आए कुछ नहीं आया हो आपको अंडरलाइन करते हुए
आप इनको अच्छी तरह से देखेंगे और पूछेंगे और समझेंगे, कुछ भी इतने समझ में आए हो, कुछ भी सेंटेंस समझ में आए हो तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।